तो गाइज आज मैं आ चुका हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे ना बनती है मिट्टी के भाड़। ये भाड़ ना बहुत यूजफुल होते हैं। आज जो प्लास्टिक की चीजें चल रही है मार्केट में, प्लास्टिक हो गया, थर्मोकोल हो गया, उनसे लड़ने के लिए ना भाई ये मिट्टी का जुगाड़ है जो कि हजारों सालों से चल रहा है। तो वो कैसे बनता है? छोटा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है और समाज के लिए बहुत अच्छा और एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा। कैसे बनती है वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो मिट्टी का जो बर्तन है वो कैसे बनता है वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रोसेस रहता है कि ये जो मिट्टी इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, ये मिट्टी को ले गए यहाँ पे डालते हैं और उसको ना पूरी अच्छी तरीके से जो भी उसमें कंकड़ वगैरह जो भी पत्थर रहता है वो निकाल लेते हैं। और देखो भाई यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है भाई, इसको क्या बोलते हैं? मिट्टी का पिंडा बोलते हैं। मिट्टी का पिंडा आप इधर देख रहे हैं, मिट्टी की पिंडी बन रही है, वो जाएगी इधर इस पे। ये जो मिट्टी के जो भाड़ बन रहे हैं इसकी, ये चाय के लिए कुल्लड़ हम बोलते हैं दिल्ली में, तो ये कुल्लड़ बन रही है चाय के लिए। आप इधर देख सकते हो इतना बड़ा मिट्टी ले लिया भाई ने। ये मिट्टी को आप कर क्या रहे हो? घास निकाल रहे हैं, घास फूस जो है, छोटी छोटी जो पत्थर है, कंकड़ है, वो सब निकाल रहे हैं। आप दिखा रहे हो, दिखा सकते हो मुझे कुछ निकाल के? ये देख लो भाई, काफी मेहनत का काम है, काफी मेहनत का काम कर। भाई आपका नाम क्या है? अजय। अजय भाई का नाम है। ये देखो भाई, ये जो चीज आपको दिख रहा है ना, ये कंकड़ है, ये इस पे कंकड़ है। अगर ये बनाने का इसका मिट्टी का बर्तन तो ये नहीं बनेगा सही से। तो भाई इतनी ज्यादा मेहनत लगती है भाई इस चीजों में, देख रहे हो? देखो भाई ये मिट्टी ना दबी नहीं है, कितना कंकड़ है इसमें। और क्या क्या करते हैं? घास वगैरह तो मिल जाते होंगे आपको? घास ही रहता है, कंकड़ बस। आपको हम इधर ले चलते हैं, यहाँ पे देख लो भाई, देसी जुगाड़ है। एक मोटर से दो चक्की चल रही है, उस चक्की से देखो भाई मिट्टी के ये छोटे छोटे कुल्लड़ बन रहे। उधर देखो कितने ज्यादा स्पीड में कुल्लड़े बनाई जा रही है। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? दिलीप प्रजापति अंकल जी का नाम है। तो अंकल देखो भाई इतने ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहे हैं मुझे। अभी देखो ये एक पिंड उठाया और डाल दिया। ओ भाई साहब देख रहे हो कैसे डाला अंकल ने। अंकल आप कितने सालों से कर रहे हो बिजनेस? 35 साल में जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा वक्त से अंकल कर रहे हैं। देखो एक्सपीरियंस देखो अंकल का, और आंटी भी उसमें हेल्प कर रही है। और देख लो भाई कंकड़ पड़ गया तो टूट गया। देख लो कंकड़ पड़ गया तो टूट गया, छोटी सी भी कंकड़ नहीं पड़नी चाहिए इसमें। ये देखो ये कैसे बन रही है भाई, 1, 2, 3 सेकंड में अंकल बना रहे हैं मिट्टी का ये कुल्लड़ है। 1, 2, 3 अरे यार 3 गिनने से पहले, इतना अंकल का हाथ जो है ना बहुत फास्ट है, और आंटी भी पूरा उसमें सहयोग कर रही है, हेल्प कर रही है। ओहो अंकल कितना बन जाता होगा पूरे दिन में? 2000 पीसेस भाई साहब, 2000 पीसेस भाई। ये जो कुल्लड़ की जो जिसमें चाय हम पीते हैं ना, वो थर्मोकोल और जो प्लास्टिक के वाहन पीते ना, उससे 1000 गुना बेटर है कि नहीं अंकल? हाँ, हाँ। तो भाई ये इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि अगर आप कहीं पे चाय वगैरह पी रहे हो या फिर कुछ भी खा रहे हो तो मिट्टी के बर्तन में खाओ, ताकि अंकल का भी प्रमोट हो। और बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है भाई, देख लो इतने अंकल और इतने फिट लग रहे हैं। देख लो भाई अंकल फुल एकदम काम करते हुए पूरा फिट। तो अंकल इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, इसको क्या करना पड़ता है? कोयला दे के भट्टी बना करके उसमें पकाना पड़ता है। इसके बाद ना इसको ना क्या करते हैं, इसके बाद इसको ना सुखाते हैं, जो आप देख रहे होंगे ये सब है जो बाहर सुखती है। उसके बाद देखो भाई ये जो है ना, और भाई देखो ये क्या हो रहा है ना भाई, ये पूरी ना ये जो भाड़ है पूरी पक रही है। ये कितने देर का प्रोसेस अंकल? 12 घंटा लगता है भाई। ये इजी नहीं है कि प्लास्टिक का वो है बना लिए और रैप अप कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है इस चीजों में, देख रहे हो भाई इतने लोग पड़े हुए हैं, इतनी मेहनत है। तो इनका ना भाई मैं बोलूंगा जब भी आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप सपोर्ट सिर्फ इसी तरह से कर सकते हो कि आप मिट्टी के बर्तन में खा सकते हो और अंकल को सपोर्ट कर सकते हो। देख लो भाई उधर वो 12 घंटे के लिए जल रही है वो, और जलने के बाद ऑटोमेटिक वो लाल हो जाती है ना? नहीं कोयला दिया उसमें 50 किलो कोयला है। 50 किलो कोयले लगते हैं, और क्या क्या लगता है अंकल? लकड़ी 10 किलो 10 किलो लकड़ी, 50 किलो कोयले और बस। तब अंकल करोड़ों का बिजनेस तो हो जाता है। ऐसे कोई बात नहीं है गाइस, तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो मैं ऑलवेज कहूंगा ऐसे अंकल ऐसे आंटियों को हमेशा आप लोग को सपोर्ट करना है।